आज हम आप सबसे मिला था कविता वास्तिक जी से। कविता जी, आपसे मैं एक सबसे पहला सवाल करना चाहूँ। हमारे दर्शक मन ये जानना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी लोक कला नाट्य ला आप कहाँ पर चुने हो? जय जोहार, मैं कविता वासनिक। मैं जब कक्षा तीसरी चौथी में रहे हूँ, गाना गात रहे हूँ, वो समय मोर गाना ला श्रद्धे कुमार लाल जी साहब है सुनी से और बहुत खुश होइन है और उन मोला स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र जी देशमुख के चंदनी गोंदा 1972 में जब चालू हुई से तो वो समय मोला वहाँ लेगिन है और छत्तीसगढ़ी गीत के प्रति संस्कृति के प्रति वही समय से मोर रुझान बढ़त गी से और आज तक में वो रुझान ला अपन दिल में संजो के रखे हूँ। दीदी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवार से आप ला कितना सपोर्ट मिलत रही से? मोला अपन परिवार से पूरा पूरा सपोर्ट मिले है। मोर पिताजी स्वर्गीय रामदास जी हिरकने पहले मानना चाहिए कि मोर सर्वप्रथम संगीत के गुरु वही रही हैं और मोला संगीत के क्षेत्र में वही मन लाइन है। उकर बाद मोर बिहाव के बाद मोर पति श्री विवेक वासनिक जी, मोर पूरा परिवार, मोर लैका मन हिमानी हिमांशु सब सभी के पूरा पूरा सहयोग मिली से और आज ये मुकाम ला उन्हीं के में हाँ क्या बोलना चाहिए सहयोग से मैं ये मुकाम ला पाए हूँ। छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के अंतर्गत दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के नाम सर्वे बड़ी आते, आपके जीवन में उनका कितना भूमिका और आपके प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने किस प्रकार निभाए? मुला दाऊ मंदरा जी से मिले के तो कभी मौका नहीं मिली से, लेकिन उखर शिष्य श्रद्धे कुमार लाल जी साहब है जो भी सीखे हैं मंदरा जी दाऊ से, मुला कहीं लगते कि कहीं ना कहीं दाऊ जी मंदरा जी के जो भी संगीत रही से कुमार लाल जी साहब के द्वारा वो मोर तक पहुंची से और मैं हाँ ओला आत्मसात करके लोगन तक पहुंचा के कोशिश करे हूँ। नाचा गम्मत के जनक दाऊ मंदरा जी ने अपना सर्वसमर्पण कर दिया, आज की पीढ़ी उनके परंपरा को कहाँ तक निभा पाई है? मैं जहाँ तक देखता हूँ, जगह जगह जाता हूँ तो आज की युवा पीढ़ी है हमारे संस्कृति ला संजोय में लगे हुए मैं मुला ऐसे लगत है, लेकिन कभी कभी कुछ मन कुछ लेका मन हाँ जल्दी ऊंचाई ला पाए बर अपन मूल संस्कृति से भटक जाते हैं। ऐसा में लेका मन से ऐसे कलाकार मन से मैं हाँ निवेदन करत हूँ कि वो अपन मूल से मत भटके। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है, वो में कुछ न कुछ बदलाव तो आते आबे करते, लेकिन अपन मूल ला मत छोड़े। हमारे संस्कृति है बहुत समृद्ध है, ओला उमन संजोय में ही मन से निवेदन करत हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँ, 2017 में जब आपके नाम नामांकित हुई से दाऊ मंदरा जी सम्मान पर, तो आपके उत्सव के का मतलब ये रही से उत्साह क्या? एक कलाकार बर सम्मान के बहुत अहमियत रही थे और जब मोर नाम है नामांकित हुई से सम्मान बर तो मोला बहुत खुशी हुई से, मोर बर बहुत गौरव के बात रही से कि मोला ये सम्मान हम मिली से और छत्तीसगढ़ शासन के पन्ना में भी मोर नाम लिखी से एकर बर मोला बहुत गौरव और खुशी लगी से। दीदी, हमारे दर्शक जानना चाहिए कि दाऊ मंदरा जी फिल्म आपके दो गाना ले गए तो दोनों गाना, एक गाना है आपके सबसे पुराना धनी बिना जग लागे सुना, वो गाना ये फिल्म में ले गए, वो का इतिहास में आपसे जानना चाहूँ जो दर्शक मल्ला मोला बता रहा है। जब मैं कक्षा नौवीं में पढ़त रहे हूँ तब ये गाना बर स्वर्गीय लक्ष्मण मसूरिया जी और मोर गुरु श्रद्धे कुमार लाल जी साहब है ये गाना बर मोर चुनाव करीन है तो मोला बहुत तो उस समय काबर के मैं लेकर रहे हूँ तो मोला समझ में नहीं आती से ये गाना ला मैं कैसे गाऊँ, लेकिन वो गाना हाँ अतेक अच्छा बन पड़ी और सब ला बहुत पसंद आए बर लगे। उकर बाद 1982 में यह पॉलीडोर कंपनी द्वारा पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में सब लोगन के बीच में पहुँची है और आज भी जब भी मैं हाँ जे भी मंच में जाता हूँ तो ये गाना लगाए बर लोगन के, जब से मैं यहाँ स्टेज में चढ़ता हूँ तब से धनी बिना जग लागे सुना के फरमाइश आते है तो मोर अभी आज के भी युवा पीढ़ी ये गाना ला सुने बर बहुत लालायित रही थे तो मोला बहुत खुशी होते और ये गाना हाँ ऐसा फिल्म में एक अतेक बड़े कलाकार के फिल्म में मोर गाना ला ले गए है एकर बर तो मैं बहुत बहुत जो फिल्म बना है उखर मन ला भी मैं साधुवाद देता हूँ। दाऊ मंदरा जी पर बनी छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म और जाहिर है कि आप इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे, आप दर्शकों को इस बारे में जरूर कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये फिल्म ला
अपन पूरा परिवार अपन अनुराग धारा टीम के साथ देखबे करूँ। मैं हाँ सब पूरा छत्तीसगढ़ के जनता से निवेदन करथों कि हमार छत्तीसगढ़ में ऐसन कलाकार के ऊपर पहला फिल्म बने हैं जे है अपन पूरा जीवन अपन संपत्ति है पूरा यहाँ के कलाकार मन बर यहाँ के संस्कृति बर जे है निछावर कर दिस। ऐसे कलाकार के फिल्म ला सर्वप्रदर्श माँ नर्मदा फिल्म्स के द्वारा बनाए गए हैं और आप सबसे पुनः मैं निवेदन करत हूँ कि 28 जून के ये पिक्चर है सबो टाकिज मन में लगत है छत्तीसगढ़ के, तो आप मन हाँ जाहू और ये पिक्चर ला देख के हमारे संस्कृति ला आत्मसात करे के पूरा पूरा कोशिश करूँ।